शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव इस चैनल पर हम आपको गुरुजी पंडित पदेव मिश्रा जी के द्वारा बताए गए उपाय करके दिखाते हैं है अट्ठाईस जुलाई अधिक मास की दशमी तिथि है और दिन है शुक्रवार का इस दिन किए जाने वाले पांच ऐसे उपाय लेकर आए जो कि आप कल के दिन मतलब अट्ठाईस जुलाई को कर सकते हैं सावन अधिक मास का महीना 19 वर्षों के बाद आया है और ऐसे में किए जाने वाले हमारे जो दान होते हैं पुण्य कर्म होते हैं वो हमें अधिकता में प्राप्त होते हैं क्योंकि ये अधिक मास का महीना है जो भी आप हाँ पुण्य का कार्य करते हैं वो हमें अधिक होकर मिलता है सबसे पहले जान लेते हैं वे पांच उपाय कौन कौन से हैं जिन लोगों का कर्जा बहुत अधिक बढ़ गया है लक्ष्मी धन संपदा बढ़ाने वाला विशेष उपाय लेकर आए हैं साथ ही जिनको किडनी लीवर से जुड़ी हुई समस्याएं आए हैं उनके लिए किया जाने वाला विशेष उपाय है जो कि दशमी तिथि और दिन शुक्रवार के दिन का किया जाने वाला उपाय है शिवलिंग पर ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर सिर्फ स्पर्श मात्र कर लेने से आपकी मनोकामना निश्चित ही पूर्ण होती है तीन बार उस जगह का स्पर्श कर लेंगे, वो भी हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे और 29 जुलाई को है एकादशी और उस दिन किया जाने वाला एक और विशेष उपाय है जिसे आपको करने से घर में आप रोग मुक्त रहते हैं घर में धन संपदा बढ़ती है वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट जानकारी आपसे ना छूटे तो बढ़ते हैं पहले उपाय की तरफ शिव जी कहते हैं कर्जा हो भी गया है तो चिंता मत कर सावन के महीने की जो दशमी तिथि आती है मतलब सावन अधिक मास की दशमी तिथि ले लो चाहे सावन के महीने की दशमी तिथि ले लो इसमें आपको शमी के इक्कीस पत्र लेना है ग्यारह लेना है या इक्कावन जितना आपको आसानी से मिल सके आप चाहो तो सात भी ले सकते हैं या ग्यारह ले लीजिए या इक्कीस जितना आपको मिल सके उतने शमी पत्र ले लीजिए साथ ही आपको थोड़ा सा शहद ले लेना है फिर ग्यारह पत्र और शहद को लेकर आपको शिव मंदिर जाना है शाम के समय प्रदोष काल के समय आपको ये उपाय करना है तो प्रदोष काल के समय ही आपको शिव मंदिर जाना है सूर्य अस्त होने के 45 मिनट पहले का समय और सूर्य अस्त के 45 मिनट बाद तक का समय प्रदोष काल कहलाता है तो इस बीच में आपको ये उपाय करना है प्रदोष काल के समय ग्यारह पत्र और शहद लेकर आपको शिव मंदिर पहुँचाना है फिर जो शमी पत्र आपने लिए हैं वो एक एक करके शहद में डुबो बाबा पर चिपकाना है या रख देना है उनका श्रृंगार करना है आप ग्यारह शमी पत्र पूरे शिवलिंग में कहीं पे भी रख सकते हैं चिपका सकते हैं अपने मन का भाव व्यक्त कीजिए आपका कर्जा हो गया है या घर में धन संपदा नहीं आ रही है बाबा को बखान करते चाहिए और वो शमी पत्र बड़े प्रेम से आपको नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नम शिवाय बोलते हुए भोले बाबा का श्रृंगार कर देना है जो व्यक्ति श्रावण अधिक मास की दशमी तिथि को ये उपाय करता है शंकर भगवान के शिवलिंग का शहद से शमी पत्र को चिपकाता है उनका श्रृंगार करता है उसमें कितना भी कर्जा क्यों ना हो रहा हो वो कर्जा मुक्त हो जाता है यह आप श्रावण की जो दशमी तिथि आती है चाहे कृष्ण पक्ष की हो चाहे शुक्ल पक्ष की हो उसमें भी ये उपाय कर सकते हैं और अधिक मास की जो दशमी तिथि है जो कि कल के दिन है अट्ठाईस जुलाई के दिन आप ये उपाय कर सकते हैं अब बढ़ते हैं दूसरे उपाय की तरफ यदि आपको किडनी लीवर से जुड़ी हुई समस्याएं हैं आपको डायलिसिस भी बोल दिया है डॉक्टर ने या बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं किडनी लीवर से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं उसके लिए कल के दिन आप ये उपाय कीजिए कल 28 जुलाई दिन शुक्रवार का है तो इस दिन आपको ये उपाय करना है आपको शाम के समय ये उपाय करना है आपको एक घी का दीपक बना लेना है जिसमें आपको घी का प्रयोग करना है लंबी बाती का प्रयोग करना है और शाम के समय बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आपको वो दिया महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण करते हुए प्रज्वलित करना है यदि आपको महामृत्युंजय मंत्र नहीं आता है तो आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय मंत्र का भी स्मरण कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए या एक मिनट के लिए आप के वर्ष के नीचे जरूर बैठिए बाबा से अपने दिल की बात कीजिए आपको जो भी समस्या है किडनी लीवर से जुड़ी हुई जो भी समस्या है वो बाबा को भान कराइए कम से कम एक मिनट के लिए उस के वृक्ष के नीचे जरूर बैठिए यदि वहां पे बैठने की व्यवस्था नहीं है बैठने की जगह नहीं है तो कम से कम के वर्ष के नीचे एक मिनट तक जरूर खड़े रहिए श्री शिवाय नमस्त मंत्र का स्मरण कीजिए हो सके तो यदि आपको महामृत्युंजय मंत्र आता है तो जरूर एक मिनट तक महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कीजिए यह उपाय कम से कम आपको पांच शुक्रवार करना है गुरुजी ने कहा है कितनी भी किडनी लीवर से जुड़ी हुई समस्याएं होंगी वो धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगी और आपकी रिपोर्ट्स नॉर्मल आने लगेंगी आपको उपाय के साथ साथ औषधि भी लेना है जो डॉक्टर ने आपको दी है वो भी आपको कुंकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए जरूर लेना है

और श्री शिवाय नमस्तभ्यम बोलना है फिर अपनी मनोकामना बोलना है इसके बाद फिर से श्री शिवाय नमस्तभ्यम बोलना है मतलब श्री शिवाय नमस्तभ्यम के बाद आपको मनोकामना बोलना है और उसके बाद फिर से श्री शिवाय नमस्तभ्यम बोलना है इस तरीके से कामना करना है उस जलाधारी में जहाँ पानी नीचे की ओर गिरता अंतिम छोर पर अपनी हथेली जरूर स्पर्श करके ये उपाय आपको करना है के बाद अंत में जो जलाधारी में आपने स्पर्श किया है उसका जो जल है वो अपने नैनों से जरूर लगा लेना है बढ़ते हैं अगले चौथे उपाय की तरफ ये उपाय घर में धन संपदा बढ़ाने के लिए किया जाता है यदि आपका व्यापार ठीक तरीके से नहीं चल रहा है आप व्यापार करते हैं सारी मेहनत करते हैं प्रयास करते हैं पर आपको उतना मिल नहीं पाता है आपकी धन वृद्धि नहीं हो पा रही है घर में बरकत बढ़ाने के लिए आपको ये उपाय करना है इस उपाय को करने के लिए आपको यदि कमल का फूल मिल जाता है तो काफ़ी अच्छी बात है यदि कमल का पुष्प नहीं मिलता है तो आप कमल गट्टा ले लीजिए जो कि कमल पुष्प का ही बीज होता है आपको एक कमल गट्टा ले लेना है जैसा कि अभी सावन अधिक मास का महीना चल रहा है तो आपको अपने दो कलश लेकर आपको जाना होता है तो दो कलश में आप किसी भी एक कलश के अंदर एक कमलगट्टा डाल सकते हैं और फिर वो जल आपको शंकर भवन की शिवलिंग पर अर्पित करना है शंकर भवन की शिवलिंग पर आपको वैसे ही अर्पित करना है घर से आपको एक के ऊपर एक लोटा रखकर नीचे वाले लोटे में आपको गट्टा रखना है और ऊपर वाला लोटे में आपको सिंपल रखना है जब आप शिव मंदिर की देहरी पहुंच जाओ फिर अपने दोनों कलश आपने एक एक हाथ में रख लेना है और शंकर भगवान के शिवलिंग पर दो धार बनाते हुए बिल्कुल धीमे धीमे धार से आपको पूरा जल अर्पित कर देना है आप चाहो तो वैसे भी अर्पित कर सकते हैं जैसे गणेश जी के स्थान पर कार्तिकी जी के स्थान पर अशोक सुंदरी माता के स्थान पर गोलकटी भाग में ऊपर यदि जलाधारी लगी है तो वहाँ पर आपको जरूर अर्पित करना है और फिर पूरा जल आपको शंकर भगवान के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है इस तरीके से जल अर्पित करने के बाद जलाधारी से जो जल आ रहा है वो जल को आपको थोड़ा सा अपने जल कलश में ले लेना है और फिर उस जल का सिंचन अपने घर में करना है चाहो तो आप व्यापार व्यवसाय वाली जगह पे भी उस जल का सिंचन कर सकते हैं ये उपाय आप सोमवार के दिन भी कर सकते हैं और शुक्रवार के दिन भी कर सकते हैं शुक्रवार का दिन भी माँ लक्ष्मी को समर्पित होता है अब बढ़ते हैं अगले पांचवें उपाय की तरफ ये आज की वीडियो का आखिरी उपाय है अंतिम उपाय है इस उपाय को आपको 29 जुलाई को करना है उनतीस जुलाई को है श्रावण अधिक मास की एकादशी तिथि और इस दिन किया जाने वाला ये विशेष उपाय है यदि आपने ये उपाय अभी तक नहीं किया है ये उपाय आपको 29 जुलाई को एकादशी के दिन जरूर करना है गुरु जी ने बताया है कि आपको पांच दिए बनाना है पांच दिए आपको ऐसे घी के बना लेना है घर से भरे हुए दिए बना लेना है चाहो तो आप आटे के बना सकते हैं या मिट्टी के दीपक भी बना सकते हैं पांचों दीपक में आपको लंबी बाती का प्रयोग करना है क्योंकि लंबी बाती धन संपदा को बढ़ाती है और, हाँ। और सावन अधिक मास में प्रदोष काल में जो विशेष मुख्य तिथियों पे ये पांच दीपक प्रज्वलित करता है उसके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होती है और रोग बीमारी उसके घर में कभी भी प्रवेश नहीं करती है यह निश्चित है तो पांच दीपक आपको प्रदोष काल के समय अपने घर की चौखट पर लगाना है पर पांच दिए सबसे पहले आप बना लीजिए सबसे पहले आपको अपने घर के मंदिर में जहाँ आप पूजा करते हैं आपने जो पूजा घर बनाकर रखा है वहां पर आपको पांच दिए लाइन से लगाना है और वहाँ पर प्रजलित करना है इसके बाद वहाँ से पांचों दिए उठाकर आपको अपने घर की चौखट पर रखना है वैसे गुरु ने बताया है कि अधिक मास का महीना चल रहा है तो इसमें पांच दीपक अलग अलग जगह पर रखे जाते हैं जैसे एक दिया जो आपके शहर में नदी है तालाब है कुआं है बावरी है पानी का स्थान है तो वहां पर आपको वो दिया प्रज्वलित करना होता है दूसरा दिया शिव मंदिर के चौखट पर प्रज्वलित करना होता है तीसरा दिया जो पवित्र वृक्ष होते हैं जिसमें वट वृक्ष होता है वेलपत्री का वृक्ष होता है या पीपल का वृक्ष इन पवित्र वृक्षों के नीचे एक दीपक प्रज्वलित करना होता है और चौथा दिया अपने घर के तुलसी के आरे में प्रज्वलित करना होता है और पांचवा पा दिया अपने घर की जो चौखट होती है उसके दाएं साइड में प्रज्वलित करना होता है पर अभी बारिश का मौसम चल रहा है हर जगह हमारा जाना संभव नहीं हो पाता है तो इसलिए पाँचों दिए इन सभी जगहों के निमित्त अपने घर की चौखट पर प्रज्वलित करने को कहा है गुरु जी ने सावन अधिक मास की पंचमी तिथि अष्टमी तिथि एकादशी तिथि प्रदोष तिथि शिवरात्रि तिथि और अमावस्या तिथि पूर्णिमा तिथि इन सात तिथियों में दीपक प्रज्वलित करने को कहा है जिसमें से ये मुख्य तिथि एकादशी की तिथि उनतीस जुलाई को आ रही है तो इस दिन आपको ये उपाय जरूर करना है आप अपने घर के मुख्य द्वार की, की चौखट पर आपको पांचों दिए प्रज्वलित कर देना है बस आपको इतना से ही करना है इन उपायों से लेकर मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हर हर महादेव